हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई, आज है अपने पास बजाज पल्सर 220 BS6। तो काफ़ी देर राइड करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो शूट करनी स्टार्ट करी है कि BS6 में क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि अपनी पल्सर 220 अपने पास 2015 में मैंने परचेज़ करी थी और 2018 में उसको सेल किया था जब डोमिनार ली मैंने, तो वो थी BS3 बाइक। तो उसके कंपैरिजन में ये कितनी स्मूथ है, क्या पावर है और क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ देखने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि BS6 में क्या क्या अपडेट्स आए हैं और क्या इसके प्रोज है, क्या कौनस है। एज ए राइडर आपको 220 बाइक 2020 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब से बाइक लॉन्च हुई है ग्राफिक्स के अलावा इसमें कोई अपडेट्स नहीं हुए हैं। क्या क्या अपडेट्स हुए हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा, कितने प्रोन्स हैं, कितने कौन से, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार इसकी वॉक अराउंड वीडियो देखो चल, और फिर उसके बाद मैं राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने 35,000 किलोमीटर इस बाइक को BS3 को राइड किया हुआ है। तो उसके बाद अब इसको देखेंगे कि भाई इसमें क्या पावर है, क्या सीन है। तो एक बार पहले वॉक अराउंड वीडियो देखो और उसमें आपको मैं सारे फीचर भी बता दूंगा, उसके बाद फिर चलते हैं राइड पे, उस पर मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। तो भाई ये है आपकी बजाज पल्सर 220 मॉडल BS6। तो देखने में बाइक आपकी ऐसी है, BS4 में भी ये कलर थीम आता था, लॉन्च कर दिया था उन्होंने। BS6 में जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, पहले एक बार वो ग्राउंड वीडियो देख लो कि देखने में आपको ये बाइक कैसी लगती है और क्या 2020 में इस मॉडल को लेना सही रहेगा, वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि प्राइस इसका काफ़ी हैवी हो गया है और हेलमेट मैंने नीचे रख रखा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग कोई कमेंट मत करना भाई। तो ऐसी कुछ ये देखने में आपको मिल जाएगी। अब मैं फ्रंट से इसकी सारी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। तो ये है इसका फ्रंट, और जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, आई थिंक 2007 या 8 में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, 6 में पता नहीं, कंफर्म नहीं है, आपको पता हो तो बता देना। जब से ये बाइक लॉन्च हुई है तब से इसकी हेडलाइट सेम ऐसी की ऐसी एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। फ्रंट लुक से देखने में आपको कोई लुक का फ़र्क नहीं लगेगा, बस उस टाइम जो ये साइड में ग्राफिक्स होते थे ये नहीं थे उसमें, सिर्फ पल्सर और 220 का की बैजिंग वो लगी होती थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बस इंजन का कलर चेंज कर देते हैं भाई जब से बाइक आई है, और एग्जॉस्ट का कलर चेंज कर देते हैं और भाई ग्राफिक्स चेंज कर देते हैं। हाँ, एक अपडेट जो इसमें आया था वो था इसका ABS का, वो पहले ही आ गया था, आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले इसमें वो अपडेट आ गया था। बट अभी जो मेजर अपडेट आया वो आया है इसका BS6 का, जिसमें कि आपको पहले कार्बोरेटर जो इंजन कार्बोरेटर मिलता था वो अब FI में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर इसका आपको FI सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ये रहा। तो BS6 में पावर में क्या फ़र्क पड़ा वो चलते टाइम मैं आपको बता दूंगा। और ये कार्बन फाइबर टाइप में पेंट किया गया है, कोई कार्बन फाइबर नहीं है भाई, और ये 3D में जो ये पेंट किया गया है, और ये भी ऐसे ग्राफिक है तो मतलब मैचिंग के लिए इसको ऐसा बनाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और एक ये जो आपको 2017 में ये अपडेट आ गया था, जो इसका एग्जॉस्ट है इस पर ब्लैक कलर की मतलब कोई सीट लगा दी गई है, पेंट नहीं है, सीट है ये अलग यहाँ पर दिख रही होगी आपको। और इंजन का कलर चेंज कर दिया गया, जब मैंने 2015 में ली थी ये बाइक तो इंजन का कलर सेम ऐसा था जैसा इसके एग्जॉस्ट पाइप का है, और इंजन का कलर अब ये ऐसा डार्क ग्रे कलर में कर दिया गया है। और अभी जो आपको इंजन मिल जाता है वो 220.00 cc का मिल जाता है, और इसमें आपको FI इंजन मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, जिससे कि माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, कार्बोरेटर क्योंकि मैनुअल था वो। और बाकी इसमें एक बार मैं बता देता हूँ जो इसका इंजन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, तो इसमें आपको 19.8 bhp मिल जाती है, पहले आई थिंक 21 bhp मिल जाती थी आपको BS3 में। और जो इसका टॉर्क है वो मिल जाएगा आपको 18.55 Nm का, जो कि टॉर्क भी थोड़ा सा कम हुआ है मेरे हिसाब से, आप भाई मैनुअल्स में पढ़ लेना या ऑनलाइन सर्च कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैंने जो चलाया है तो भाई पिकअप में थोड़ा बहुत मेरे को डिफरेंस लग रहा है, लैग लग रहा है पावर का। और बाकी इसमें कोई अपडेट नहीं दिया गया, वही 120 सेक्शन का टायर पीछे है, 90 सेक्शन का टायर आगे मिल जाता है, वही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, सिर्फ आपको सिंगल चैनल ABS दिया गया है। और कोई बोलेगा भाई सिंगल चैनल ड्यूअल चैनल कैसे पहचाना जाता है, कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई जैसे देखो ये होती है ABS की प्लेट आपकी और यहाँ पर ये सेंसर लगा होता है, तो इसके बावजूद देखो ये रहा सेंसर, तो इसके बावजूद ये सिंगल चैनल ABS क्यों है, अगर सिंगल चैनल ABS होती तो फ्रंट इसके फ्रंट में ही ओनली ये सेंसर होता, लेकिन मैं अब आपको समझा देता हूँ ये सिंगल चैनल ABS कैसे है। तो जैसे कि ये ब्रेक पाइप होती है आपकी, ये पहले जाती थी जो विदाउट ABS बाइक होती थी डायरेक्ट यहाँ पे, लेकिन अब इसमें देख लेना आप, जो ये ब्रेक पाइप है पहले गई है टैंक के नीचे, फिर यहाँ से आई है, जो इसकी ABS की यूनिट होती है वो नीचे लगी होती है, मॉड्यूल होता है, तो उसमें जो सारा वर्क करता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन रियर में आप देख लेना
जो कि आपकी ये ब्रेक की पाइप आई है, ये ब्रेम्बो की है। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को, ब्रेम्बो की इन्होंने पाइप दे रखी है, तो ये डायरेक्ट आपको इसके पंप में लग जाती है। ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पंप है और यहाँ से ये वर्क करता है। जैसे ही हमने ब्रेक दबाया तो डायरेक्ट है, लेकिन सेंसर इसलिए दिया गया ताकि बाइक अपना कंट्रोल ना खोए और दोनों व्हील्स की स्पीड ये मैनेज कर सके। तो उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो भाई देखो देना पड़ेगा इसमें सेंसर पीछे, लेकिन ये है सिंगल ABS, सिंगल चैनल ABS है, लेकिन फिर भी ठीक है। बट जो इसका प्राइस अभी आया है BS6 का, उसके हिसाब से इसमें ड्यूल चैनल ABS होना ज़रूरी था और अपडेट भाई चाहिए ही चाहिए। मेरे हिसाब से पल्सर 220 काफ़ी आउटडेटेड बाइक हो चुकी है, आपका क्या कहना है? लेकिन ये एक लेजेंड है, अभी भी लोगों को पसंद आती है, मेरे को भी काफ़ी पसंद है क्योंकि भाई इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। ये जब लॉन्च हुई थी तो ये फास्टेस्ट इंडियन बाइक थी, तो उसके हिसाब से उसका टैग इसको मिला हुआ था। और अभी भी जो मैंने मेरे पास 220 थी वो 150 प्लस क्रॉस कर जाती थी जब मैं उसको खींचता था टैंक पे लेट के पूरा लीन होके। तो परफॉर्मेंस इस बाइक की गजब की है, मैं मना नहीं कर रहा। अभी मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ जो BS6 में चेंजेज हुए हैं। एक तो इसमें आपको दिख जाएगा जो एग्जॉस्ट पाइप है, इसमें कैटालिक कन्वर्टर यहाँ पे दे दिया गया कि बड़ा सा, और आपको ऑक्सीजन कार्बन सेंसर होता है, जो भी ऑक्सीजन सेंसर होता है, O2 सेंसर बोलते हैं इसको। तो एक ये सेंसर है जो कि भाई आपके ECU का अपडेट देता रहता है, और जो जितने फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होती है उनमें ये होता ही है। और दूसरा आपको सेंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखने को, ये रहा। ये पहले BS4 में और BS3 में नहीं आता था, अगर आता था तो बता देना, मैंने तो नहीं देखा। BS3 में तो था नहीं शायद ये। और जो तीसरा चेंज है इसमें, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ या रिजर्व की जो नोब मिलती थी वो नहीं मिलेगी अब डायरेक्ट, मतलब अब जैसे ही इसकी की को ऑन करते हो तो अब जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगा आपको साउंड सुना होगा। तो ये इसका आपको मीटर मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल, ये भी चेंज नहीं हुआ है, ये 2017 में चेंज किया गया था, इसका सिर्फ थीम चेंज हुआ था। ये पहले ऑरेंज कलर में आता था और अब ब्लू में हो गया है। तो और यहाँ पे जो फिनिश है ये चेंज की गई थी, बाकी इसमें स्टिकरिंग के अलावा जो ग्राफिक्स है इनके अलावा कुछ चेंज नहीं होता इसमें। वही आपको साइड स्टैंड ऑडियो ट्रिप 1-2 मिल जाती है और बैटरी का वो मिल जाता है, बैटरी लो है या कैसी है। लेकिन इसमें अब मेरे को ये मीटर भी आउटडेटेड लगता है क्योंकि इसमें आपको भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन सब कुछ इसमें शो करना चाहिए, जिस हिसाब से आज 2020 में बाइक्स आ रही हैं तो उनमें आपको मिल जाता है। अपाचे 200 है उसमें भी मिल जाता है आपको, जो अभी नई आई है। एक बार बंद कर देते हैं। जो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे को लगता है इस बाइक में, जो अपडेट आना चाहिए 220cc के हिसाब से, इसमें 6th गियर की कमी है। अगर 6th गियर आ जाता तो इसमें इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सही हो जाती, परफॉर्मेंस तो अभी भी काफ़ी अच्छी है लिटरली, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इसमें अगर 6th गियर आ जाता तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाती, वाइब्रेशन काफ़ी कम हो जाती कुछ हद तक टॉप स्पीड में जो वाइब्रेशन है। और एक इसका ड्रॉबैक, इसका जो फ्रेम है ये काफ़ी मतलब लंबी सी लगती है, अगर आप हाई स्पीड में चलते हो तो विदाउट ABS इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता था, राइडर्स को पता होगा। लेकिन अभी ABS आ गया तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही हो गई है जो ब्रेकिंग की है। तो ओवरऑल इसमें बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको एक भाई FI का डिफरेंस मिल जाएगा, ग्राफिक्स तो BS4 में भी आ गए थे ये, बाकी इसमें मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगा। एक ये नीचे जो ये अंडरबेली दिया गया है ये भी 2017 में दे दिया गया था, पहले नहीं आता था। और एक इसमें कैटालिक कन्वर्टर वगैरह आ गया है। तो BS6 में सिर्फ यही अपडेट है भाई, और चला के देखते हैं बाइक कैसी है उसी टाइम मैं आपको बता दूंगा। राइडिंग पोस्चर एक बार बैठ के बता देता हूँ कैसा है, क्या ये आपको लॉन्ग राइड्स के लिए लेनी चाहिए कि आप लद्दाख करना चाहते हो या भाई राइड करना चाहते हो संडे राइड, और इस जिस प्राइस टैग पर अभी ये लॉन्च की गई है तो उस प्राइस टैग के हिसाब से आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अभी चलते एक बार भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, वहीं पे मैं आपको इसके सारे डिटेल प्राइस वगैरह माइलेज वगैरह सब कुछ आपको बता दूंगा। तो भाई मैं आ गया हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, सबसे पहले करते हैं राइडिंग पोस्चर की बात। तो राइडिंग पोस्चर इसका काफ़ी बढ़िया है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली अगर आप लॉन्ग राइड भी करते हो तो। नो डाउट राइडिंग पोस्चर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है R15 के कंपैरिजन में, और पल्सर जो 200 आती है RS उसके कंपैरिजन में इसका जो राइडिंग पोस्चर मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगता है अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो। बस भाई अपडेट देखो मेरे को ना ये लुक इसकी काफ़ी बेहतरीन लगती है, कोई कमी नहीं है, बट यार अपडेट देखो होना चाहिए, टाइम के साथ अपडेट ज़रूर देना चाहिए। पता नहीं बजाज क्या कर रहा है इसके बारे में अपडेट नहीं दे रहा। और भाई जो 220 फैंस है प्लीज़ देखो इसको नेगेटिवली मत लेना, आपको ही पता है कि ये जब से लॉन्च हुई है तब से सेम मॉडल इसका ये दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अपडेट देना चाहिए 2020 में, तो भाई अपडेट आना चाहिए। तो राइडिंग पोस्चर काफ़ी बेहतरीन है, और अगर आप इसके पावर की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक बार खींच के दिखा देता हूँ। ब्रेक
ब्रेकिंग भी काफ़ी ठीक है जब से ABS आया है इसमें। और भाई पावर थोड़ी सी कम तो देखो मेरे को लग रही है, तो पहले BS3 थी मेरे पास क्योंकि वही चलाता था मैं, जब मेरे पास BS3 थी उसी को चलाता था। यहाँ पे आपको टेम्परेचर का साइन मिल जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये इंजन माल फंक्शन की लाइट है, ये अभी ऑन है क्योंकि शोरूम की बाइक है, उनको ही पता होगा। फ्यूल भी कम है इसमें, आई थिंक इस हिसाब से ग्लो कर रही हो। ये आपको लो इंजन फ्यूल इंजन ऑयल उसके बारे में बता देती है। और बाकी इसमें अगर देखते हैं सेकंड गियर में चाहिए थर्ड में, तो देखो आई थिंक ये अभी जैसे फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तो इसमें भाई मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब जर्क नहीं लगता, या फिर अगर आप बोलोगे इंजन नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं लगती। इंजन काफ़ी ठीक है, अब स्मूथ हो गया है काफ़ी। BS6 में देखो इंजन तो स्मूथ है भाई, बाइक ब्रांड न्यू चला रहा हूँ या तो इसलिए लग रहा होगा, बट मेरे हिसाब से जब मैं बाइक लेके आया था तो उसके कंपैरिजन में इंजन काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है BS6 में। लेकिन थोड़ी सी ऐसी लग रही कि बाइक को थोड़ा सा ना इसकी पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। लेकिन अगर बाइक चलती है आप किस हिसाब से चलाते हो, अगर सही मेंटेन करते हो, तो बाइक मेरे हिसाब से बाइक आपको परेशानी नहीं होगी, बाइक की पावर थोड़ी सी और बढ़ सकती है क्योंकि इंजन अभी ब्रांड न्यू है। अब कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक की बात। तो अगर आप लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक को देख प्रेफर करते हो तो इसमें आपको 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है विद 35 से अबव की अगर आप माइलेज देखते हो, तो 40 की माइलेज के हिसाब से अगर चलते हैं तो भाई जो फ्यूल रेंज आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, अगर 35 के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, तो 500 किलोमीटर प्लस तो आप इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया इसका प्लस पॉइंट जो है कि वो इसका भाई जो राइडिंग स्टाइल है, राइडिंग पोस्चर है, वो काफ़ी बेहतरीन है एक राइडर के लिए। तीसरा इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है जो कि डुअल होना चाहिए था, लेकिन सिंगल चैनल ABS भाई काफ़ी इसका इफेक्टिव है, तो वो भी सही है। और जो नेक्स्ट है थोड़ी पेयरिंग है इसमें, तो आपको विंड ग्लास भी थोड़ा कम फील होगा, अगर एरोडायनामिक्स थोड़ी सी लुक है तो हाई स्पीड में इसका स्टेबिलिटी भी थोड़ी ठीक रहेगी। नेक्स्ट है इसमें आप अगर देखते हो तो भाई इसकी सीट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको, और ये तो राइडिंग स्टाइल में ही हो गया कि आप परेशान नहीं हो गया अगर लॉन्ग राइड में चलाते हो तो इस बाइक को। और भाई अब कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की बात। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भाई बजाज का नो डाउट बिल्कुल ज़ीरो है, ज़्यादा वो नहीं है इसके कंपैरिजन में। R5 को देखोगे, यामाहा को देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा है। उसकी डिस्पैड ऑलमोस्ट 1800 प्लस में मैं वर्जन 2 की डलवाता तो वर्जन 3 की भी सेम ही होंगी या मैं ज़्यादा ही होंगी। तो इसकी जो डिस्पैड है वो 500 रुपये तक हो जाती है, और सर्विस अगर आप कराओगे 800 से 900 रुपये के बीच में मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो मेरे को पता नहीं है, तो 800 मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, 800 रुपये में आप इसकी मैक्सिमम सर्विस करवा सकते हो। लेकिन जो R5 है उसकी थोड़ी सी महंगी सर्विस है, वो भाई जैपनीज ब्रांड है और भाई थोड़ी सी तो महंगी होगी। तो भाई अब इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो जो इसका नेगेटिव है सबसे पहला वो है भाई इसका आउटडेटेड मॉडल, क्योंकि जब से लॉन्च हुई है सिर्फ इसके ग्राफिक्स में चेंज करते हैं और कुछ चेंज नहीं है। अलॉय व्हील्स भी सेम है एंड बॉडी लुक भी सेम है और फेयरिंग भी सेम है, सिर्फ ग्राफिक्स में चेंज कर देते हैं। तो ये सबसे पहला इसका नेगेटिव है, क्योंकि भाई आप जब हम छोटे छोटे थे तब से बाइक देखते आ रहे हो तब से ऐसी की ऐसी है, सिर्फ कलर थीम में चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं है। सेकेंड नेगेटिव है इसका सिंगल चैनल ABS, क्योंकि पल्सर जो 150 है उसमें आपको फेयरिंग को छोड़ के सब कुछ मिल जाता है, और जो पल्सर 180 आती थी उसमें फेयरिंग भी सेम मिल जाती थी, सिर्फ इंजन का डिफरेंस था और कोई नहीं। और जो ABS है इसमें, क्योंकि भाई देखते हो आप पल्सर 150 में भी सिंगल चैनल है और 180 में भी सिंगल चैनल था, और इसमें भी सिंगल चैनल ही दिया गया है, लेकिन इसमें ड्यूल चैनल इनको देना चाहिए था जिस प्राइस टैग में अभी ये लॉन्च हुई है। तो और नेक्स्ट इसकी भाई नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो इसका जो ये मीटर कंसोल है ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, इसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई, फ्यूल है फ्यूल दिखाएगा, Trip 1 Trip 2 ODO एंड स्पीड एंड साइड स्टैंड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट अगर इसकी आप नेगेटिव की बात करोगे तो भाई अगर हाई स्पीड पे इस बाइक में थोड़ी सी कुछ राइडर्स को बैलेंसिंग की कमी लगती थी, तो वो मेरे साथ तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जो R5 इसके कंपैरिजन में आते तो उसका जो अगर उसको आप हैंडल करते हो तो हैंडलिंग उसकी काफ़ी बेटर है। और नेक्स्ट इसका जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्राइस फैक्टर, प्राइस जो इसका है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे हरियाणा में इसका झज्जर में अगर देखोगे इसका प्राइस, तो वो पड़ेगा आपको भाई 1,42,000 विद मतलब ऑन रोड मिलेगा आपको, तो उसमें भाई 1,42,000 में आप सिंगल चैनल ABS लोगे, उसके बाद आप भाई
वही आउटडेटेड मॉडल लोगे और उसके बाद आप भाई परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो गई है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ट्रू पल्सर 220 फैंस है वो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइस के हिसाब से यार इसमें देखो अब थोड़ा बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, इसको अपडेट करना चाहिए। लेकिन भाई देखो फैन तो मैं भी हूँ इस बाइक का, कमी नहीं है बाइक में नो डाउट कोई। बाकी इसमें थोड़ी वाइब्रेशन है, और क्योंकि देखो ये बाइक की फैन फॉलोइंग इसलिए ज़्यादा है, जब से हमने चलाई थी तो उस टाइम ये सुपर बाइक होती थी हमारे लिए, जब छोटे छोटे थे तो यही बाइक सुपर बाइक होती थी, तो इसके हिसाब में भाई इसके फैन सब भी है। लेकिन भाई अपडेट अब तो देना ही चाहिए, ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बजाज वालों भाई थोड़ा अपडेट दे दो। बाकी अगर आप इसके ट्रू फैन हो तो ले सकते हो, ये अपने अंश बाजार पे अवेलेबल है 1,42,000 में आपको ये मिल जाएगी। तो प्राइस कहीं ना कहीं मेरे को इसका ज़्यादा लगा इसी मॉडल के हिसाब से। अगर डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको इसकी 25,000 की डाउन पेमेंट पे भी मिल जाएगी ये बाइक, और 3 ईयर का आपको इसका जो टाइम इंटरवल मिल जाएगा इसका फाइनेंस को कंप्लीट करने का, जिसमें कि आपकी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5,000 रुपये तक इसकी EMI आएगी अगर आप 25,000 पे करते हैं तो, बजाज से फाइनेंस हो जाएगी। अगर किसी बाइक को चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी राइडिंग पोस्टर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा इस बाइक का। तो टिल देन साइन ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम गाइस।